हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मेरी थॉट्स की वीडियोस काफ़ी पसंद करते हैं, तो आज मैं टॉप 5 कोट्स लेके आई हूँ। और ये पांचों के पांचों जो कोट्स हैं महात्मा गांधी जी के कोट्स हैं। आई एम डैम श्योर जिस तरह से आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई हैं, ये भी पसंद आएंगी और आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। और इस तरह के कोट्स देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ क्लिक दिस सब्सक्राइब आइकन एंड क्लिक दी बेल आइकन सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रायर बेसिस पे मिले। तो आइए रीड करते हैं हमारा फर्स्ट कोट। अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। एक इंसान क्या है बल्कि वो एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके थॉट से बनता है कि वो क्या सोचता है और वो वही बनता है। जो इंसान अच्छा सोचता है वो अच्छा बनता है, जो बुरा सोचता है वो बुरा बनता है। जो इंसान कामयाबी सोचता है, कामयाबी के बारे में सोचता है, वो कामयाब बनता है। तो इस तरह से मैन कुछ भी नहीं है, अपने थॉट्स और अपने जो है विचारों का एक पुतला है कि जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा उसका मन होता है, जैसे उसके दिमाग में उसके थॉट्स होते हैं, वो वैसा ही बनता है। तो अ मैन इज़ बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। जो वो सोचता है वो बन जाता है। कैसा लगा ये थॉट? अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाइए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ईच नाइट, नाउ आवर सेकेंड थॉट, ईच नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप आई डाई एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई एम रीबोर्न। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है। हर एक रात जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ, ये गांधी जी ने लिखा है इसलिए मैं जाता हूँ बोल रही हूँ, हर एक रात जब मैं सोने के लिए जाता हूँ आई डाई। मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है आज और मैं सो नहीं रहा, मैं जस्ट मर गया हूँ। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, और अगली सुबह जब मैं जागता हूँ आई एम रीबॉर्न, तो मेरा दोबारा जन्म हुआ है और दोबारा मेरे में जोश है। देखा है आपने, जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको हर एक काम करने में एक नया जोश होता है। कहते हैं ना, युवा पीढ़ी में बहुत जोश है। तो इस तरह से जब एक दिन चला जाता है तो सोचो कि आज की लाइफ आज तक थी, कल एक नए जोश के साथ उठना है, एक नए जोश और उमंग के साथ, नई तरंगों के साथ काम करना है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। एंड अपनी बॉडी में, अपने दिमाग में, अपनी ज़िंदगी में तरोताजगी लानी है। कल का काम कल तक ख़त्म, आज का काम आज से शुरू और आज से और बेहतर करना है। तो आइए इस थॉट को दोबारा पढ़ें। ईच नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप आई डाई एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई एम रीबॉर्न। तो कैसा लगा ये थॉट? अगर ये वाला थॉट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट भी कर देना। एंड आवर थर्ड थॉट इज अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। ये थॉट तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। इसका मीनिंग क्या है, आइए इसको एक बार और रीड करते हैं। आई एम डैम श्योर कुछ कुछ मीनिंग आपको भी क्लियर हो जाएगा। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस ग्रीड एवरी मैंस नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। प्रकृति हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है। किस तरह से प्रोवाइड करती है? जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जिन चीज़ों का हमें लालच होता है वो प्रकृति के बस में नहीं है हमें प्रोवाइड करना। फिर हम कहते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं कंप्लीट हो रही? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, वो ग्रीड बन चुकी हैं। कहते हैं ना कि ज़रूरत तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है और इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। तो कुछ इसी तरह से है कि ज़रूरत जिस इंसान की जैसी है उसकी रिक्वायरमेंट्स प्रकृति से पूरी हो जाती है, लेकिन अगर उसके मन में लालच है, ग्रीड है, बहुत ज़्यादा आशाएँ हैं, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ से विशेष एक्सपेक्टेशंस एंड बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कंप्लीट करना प्रकृति का किसी के भी बस में नहीं है। यही कारण है कि आजकल प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की जा रही है कि डे बाय डे हमारी जो लाइफ है वो खतरे में आ रही है। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती जा रही हैं डे बाय डे। तो आइए इसको एक बार और रीड करें। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। अगर ये वाला पर्सनल थॉट जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है आपको सही में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप। एंड अब हम फोर्थ कोट पढ़ते हैं। फोर्थ एंड फाइव कोट्स बड़े हैं थोड़े, लेकिन इनका मीनिंग्स काफ़ी वाइज हैं और महात्मा गांधी जी ने ये थॉट्स लिखे हैं। तो मुझे लगा कि जब गांधी जी के मैं
इतने इंटरेस्टिंग थॉट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इन दो थॉट्स को मैं क्यों छोड़ूँ। ऑब्वियसली इट दे हैव टू मच मॉरल वैल्यू, बहुत मॉरल वैल्यू है। और आप चाहें, अगर आप टीचर्स हैं तो इनको अपने मॉर्निंग असेंबली में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट हैं तो क्या बात है, मतलब महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलना, अच्छे थॉट्स को लेकर चलना, दैट मीन्स अच्छी लाइफ को बिल्ड करना है। एंड फोर्थ हमारा कोट है, इट इज़ अनवाइज टू बी टू श्योर ऑफ वंस ऑन विजडम, इट इज़ हेल्दी टू बी रिमाइंडेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइट वीकन एंड द वाइजेस्ट मे अर। तो क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है तो मैं एक बार और रीड करती हूँ। इट इज़ अनवाइज टू बी टू श्योर ऑफ वंस ऑन विजडम, इट इज़ हेल्दी टू बी रिमाइंडेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइट वीकन एंड द वाइजेस्ट माइट अर। तो क्या मीनिंग है इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बहुत ही अनवाइज है, ठीक नहीं है ये सोचना कि एक इंसान बहुत बुद्धिमान है या फिर बहुत बहादुर है या फिर किसी इंसान को गुरु मान लेना, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं, कोई ना कोई कमियां होती हैं। ज़रूरी नहीं जैसा वो बाहर से दिखता हो वैसा वो अंदर से हो, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के। तो गॉड जो है, अगर आप गॉड को ही गॉड माने और गॉड के ही विचारों पर चलें तो वो बेटर है कि किसी इंसान को आप गॉड मान लें। हाँ, एक इंसान आपके जीवन का आदर्श ज़रूर हो सकता है लेकिन गॉड नहीं हो सकता। टू मच किसी पे बिलीव करना वो इसी तरह से है जैसे किसी को गॉड मान लेना। जैसे कि लिखा है, इट इज़ अनवाइज टू बी टू श्योर ऑफ वंस ऑन विजडम, इट इज़ हेल्दी टू बी रिमाइंडेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइट वीकन एंड द वाइजेस्ट माइट एर। ये ज़्यादा रिमाइंड करना हेल्दी रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, अगर हम ये मान लें कि जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है या हमें जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वीकन हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और जो वाइजेस्ट है, जो बहुत बुद्धिमान है, उसको कुछ आता ही ना हो। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी संभव है। हाँ, जितने पॉजिटिव पॉइंट्स दिखें आपको, आपको अचीव ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी की बहादुरी, किसी की विजडम और किसी की स्ट्रॉन्गेस्ट पर फुल बिलीव करके उसको एक जजमेंट नहीं कर देना चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन वैसा है। तो इसको दोबारा से रीड करते हैं। इट इज़ अनवाइज टू बी श्योर ऑफ वंस ऑन विजडम, इट इज़ हेल्दी टू बी रिमाइंडेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइट वीकन एंड द वाइजेस्ट माइट आर। ओके, सो आवर फिफ्थ कोटेशन, जो हमारी लास्ट कोटेशन है, ये भी थोड़ी बड़ी है लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शिक्षाप्रद है, सो मैंने इसको लिखा। एंड हमारा नेक्स्ट कोट है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू द डेड, द ऑफन्स एंड द होमलेस, वेदर द मैड डिस्ट्रक्शन इज वॉक अंडर द नेम ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और इन द होली नेम ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेसी। तो इसका मीनिंग काफ़ी अच्छा है कि क्या फ़र्क पड़ता है एक मृतक को, एक अनाथ को या फिर एक बेघर को, क्या फ़र्क पड़ता है एक अनाथ, मृतक या फिर बेघर को, कि किस तरह से जो है विनाश कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और इन द होली नेम ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेसी, कि जो जो लोग हैं विनाश के कार्य कर रहे हैं और वो डेमोक्रेसी, लिबर्टी और टोटलिटेरियनिज्म के नाम को लेकर उन कामों को वो कर रहे हैं, उन कामों को वो अंजाम दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इंसान ऑलरेडी दुखी है। मतलब ये सब चर्चा का विषय उनके लिए जो फ्री हैं, बहुत अमीर हैं, जिनके पास कुछ और करने को नहीं है, लेकिन अगर कोई डेड है, कोई ऑर्फन है और या कोई अनाथ है तो ऑब्वियसली उसकी अपनी लाइफ ही इतनी पजल है, अपनी लाइफ में इतने दुख हैं कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बची हुई दुनिया में क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो असर पड़ता है वो उनको पड़ता है जिनको इन टॉपिक्स पर चर्चा करने में बहुत मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ अच्छा करने में कोऑपरेशन करें, लेकिन वो क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को एक चर्चा का विषय बनाकर और हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। तो एक्चुअली इन चीज़ों को इसके एक्ट से फ़र्क पड़ता है किसी की हेल्थ को, किसी की लाइफ को, लेकिन हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, जस्ट लाइक डेड हैं, ऑब्वियस है वो उठ के नहीं देखेगा कि जो ऑलरेडी मर चुका है कि क्या चल रहा है,
जो ऑफन है, जो होमलेस है, ऑफन को पहले पेरेंट्स चाहिए, होमलेस को होम चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि होली नेम के अकॉर्डिंग लिबर्टी किसी को दी जा रही है, किसी को डेमोक्रेसी दे जा रही है, उसको उसके लिए इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। तो जिसकी जैस जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ मिलती है, कहते हैं ना भूखे के लिए भगवान जो है वो एक ब्रेड में है, दैट मीन्स जिसके जिसके रिक्वायरमेंट है उसको उसी के अकॉर्डिंग सामान चाहिए। भूखे को अगर आप एक सोने की ईंट दे दोगे ना तो उसके लिए वो वर्थलेस है, वो उठा के फेंक देगा, उसको एक ब्रेड में ही भगवान दिखाई देगा। तो इसी तरह इस थॉट का भी यही मीनिंग है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू द डेड, द ऑफन्स एंड द होमलेस, वेदर द मैन डिस्ट्रक्शन इज वॉक अंडर द नेम ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और इन द नेम और इन द होली नेम ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय बाय। इस तरह की वीडियोज़ मैं और जल्दी ही लाऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।